मेरा नाम फरजाना है। फरजा कहाँ रहती है, पूरी बात बताइए। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मेरी ससुराल बरेली आजम नगर की है। क्या मामला है? मेरा ये मामला है, मेरी 30 तारीख को शादी हुई 2014 में, और जो भी मेरे एक महीने के बाद में मुझे दहेज का डिमांड मुझसे मांगा गया है, जिससे बाकायदा मेरी माँ ने गरीबी में जो भी देना था दान दहेज पूरा दिया गया है। बाद में वॉशिंग मशीन नहीं आई थी तो मेरी बड़ी नन ने मुँह से बोल के मशीन मंगाई गई, जो मेरी माँ की हैसियत के लायक था मुझे सब दहेज दिया गया। तो अभी बाद में ये कहा गया है कि बाइक चाहिए काम के लिए। जब मैंने उन पर प्रेशर डाला तो उन्होंने कहा पहले अपने भाई लोग से मांग कर, जब बाइक देंगे तो मैं काम पे जाऊँगा। तलाक कब दिया? तलाक ये माँ बहनों के बोलने पे मुझे तलाक दी गई, और ये कहा गया जब ये तू काम धंधा नहीं करेगी या गलत काम नहीं करेगी तो तुझे मेरा लड़का तलाक दे देगा। क्या काम करने को कह रहे थे? यही अपना, मेरे को बोलते हुए शर्म लग रही है, यही गलत काम जो आज ये कहा गया है। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। इस कारण उन्होंने मुझे, देवर ने और मेरे पति ने मुझे मारा। देवरों ने यही कहा अगर तुम ये काम करोगी तो मेरे भाई के साथ रहोगी, नहीं करोगी तो हम तुम्हें तलाक दिलवा देंगे। फ़ोन पे उन्होंने मुझसे ये कहा, मैं बोली अब शरीयत के हिसाब से तो उन्होंने मुझे तलाक दे दिया, अब इतना है कि वो मुझे सहन कर दें, मैं अपने घर चली जाऊँ। मेरे देवर मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसा करूँगा और फिर मेरे भाई के पास चली जाओ। हलाला कराने के लिए कह रहा है कि अब हलाला करो, ना पुलिस जाओ ना कोर्ट जाओ, डायरेक्ट हमारे पास घर की बात घर में ही निपटा लो। तो मैं इतनी बड़ी आग लगाई है तो बलि फिर भी उन्हें माफ करेंगे? ना नहीं करेंगे। एक मच्छी है तो अल्लाह माफ नहीं करता, बलि माफ करते हैं जब गलती करोगे तो। तुमने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा? तुम राजू के बच्चे की आड़ लेके तुम वहाँ पर बैठे हो, राजू के बच्चे की आड़ लेके बैठे हो। उसकी तो वहाँ माँ भी है बाप भी है, अपनी औलाद के ऊपर नजर तो उठाते कि मेरी औरत किधर आंख उठाएगी। लेकिन भाभी बना लो घर अल्लाह के वास्ते, कोई बात नहीं, खत्म करो। कौन लग रही हो? हेलो। हाँ भाभी। हाँ मैं कर लूंगा एक दिन के लिए निकाह। अभी मेरे मुंह से ना बहुत छड़ी छड़ी सुनोगे तुम। अभी मेरे मुंह से भाभी नहीं हो, भाभी हो तो तुम्हारे साथ सोऊंगी मैं। शरीयत का हुक्म है तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही मुझे ये बोलते हुए भी? सीमा को दो फोन। हेलो हेलो, ये शर्म आ रही है तुम्हारे आदमी को? शर्म आ रही है बोल रहे मैं निकाह कर लूंगा? अरे मुझे सोच रहा तुम्हारा तो अच्छी बात है, कर लो ना एक दिन के लिए, क्या हो गया? अरे वाह, मैं मरना पसंद करूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी, मैं किसी देवर के साथ सोना पसंद नहीं करूंगी।